लो इम्यूनिटी है तो आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर के 7-8 बड़े कारण हैं। एक प्रदूषण उसका बड़ा कारण है, दूसरा ज्यादा बीड़ी सिगरेट शराब पीना बड़ा कारण है, वहीं पर ज्यादा सोल्ट और ज्यादा कैफीन का सेवन करना ये उसका बड़ा कारण है। जेनेटिक तो उसका कारण है, ऐसा है। मोटापा से भी कैंसर होता है, लेकिन एक आम समाज में बात कही जाती है भाई ये आदमी तो बहुत स्ट्रांग है, शक्तिशाली व्यक्ति को केवल स्ट्रक्चर ही नहीं अंदर से भी, जैसे मैं कहता हूं ना योग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों स्ट्रांग होते हैं, अंदर से सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। तो लो इम्यूनिटी, कमजोरी, और फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर धातु रोग स्त्री और पुरुषों को दोनों को ही, और फिर और ज्यादा ये रोग बढ़ जाए तो फिर इनफर्टिलिटी। इन सब का आपको उपाय बताते हैं। एक एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जा सकता है, जो कि योगासनों के श्रेणी में है। बाकी प्राणायाम तो 5 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में, ऐसा लेमस ऑटोमन डिजीज, रमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरायसिस, लंग फाइब्रोसिस, ऐसे असाध्य रोगों में प्राणायाम 5-5 मिनट करके प्रारंभ करते हैं, और अल्टीमेटली कितना तक कर लेते हैं, 1-1 घंटे तक। 5 मिनट्स का एक राउंड, एक आवृत्ति, और उसका जो समय है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आवृत्ति का समय 5 मिनट, और कुल 5 मिनट से लेकर के 1-1 घंटा तक हम करवा देते हैं, और जबरदस्त लाभ उससे फिर।